वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, घर आया था जैसे कि आप लोगों को पता है। और भाई मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरा वो स्टैंड मिल जाए तो देख लेना थोड़ा सा, और देख ले रहा हूँ कुछ छूता तो नहीं है, बेड वेड वगैरह कुछ भी सामान। तो दोस्तों अभी मैं राउरकेला से निकल रहा हूँ झारसुगड़ा के लिए, क्योंकि 9 बजे ड्यूटी है और मैं 6:15 में निकला हूँ, तो 8:30 बजे तक तो लगभग पहुँच ही जाऊँगा। तो चलो आप राइड एंजॉय करो। कार्ड है ना 500 कुरियर देगी। अगला मशीन तो नहीं आसा कोटू से 500 कुरियर ना। तुम्हारा रेट टिके अधिका थी से क्या तेल का? बढ़ला जी के। आज बड़ी वाला? ए भाई, यार 200 पहुँचे तो आ गए। 99 कितने थे लाने? 99 थे। तो ऐसा 22 पैसा तुम्हें। नहीं तुम्हारे एसआर रहा अधिका। और दोस्तों ये मैं तेल भराने से पहले एक बार देख लेता हूँ टंकी पे। आजकल तो जितना भी तेल भरो पता ही नहीं चलता है कि मतलब तेल है या नहीं है, और तेल भराने के बाद भी और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना गया। और आज यार मौसम बहुत मस्त है, ठंडी पे ऐसे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का राइड ज़बरदस्त, अलग ही सुकून है सुबह के राइड पे। और ये मेरा बड़गांव आ गया है, अब चाय ब्रेक लेते हैं। एक सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, चाय ब्रेक लेता हूँ नहीं तो नींद आ जाएगा। और मेरा एक रेगुलर काम, जैसे मैं बड़गांव पहुँचता हूँ घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आधा रास्ता पहुँच गया हूँ। और ये घर पे तो किसी ने उठाया नहीं, लगता बिजी होंगे। ठीक है, और चाय भी यहाँ मिला नहीं, आगे कहीं पी लेते हैं सुंदरगढ़ में। चलो तो ये दोस्तों अब सुंदरगढ़ का टोल गेट हमने क्रॉस कर लिया है। रेनी सीज़न का यही खासियत है दोस्तों, मतलब मज़ा है ही आ जाता है। रेनी सीज़न में क्लाइमेट इतना मस्त रहता है ना, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, उसके बाद तो राइड के लिए एकदम सही सिचुएशन रहता है। तो अभी सुंदरगढ़ में रुके हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं। सुबह से चला रहा है बाइक 6 बजे से, और चाय पी लेते हैं फ्रेश लगेगा। हेलमेट पहनने से बाल पूरा ये हो जाता है, हेयर कट कराना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चाय लेके आते हैं, थोड़ा चाय पी के अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी बाइक राइड करते हो ना, तो 60 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, बाइक को भी थोड़ा सा टायर प्रेशर ये सब मेंटेन होगा। कैमरा टा सब दुनिया ऑनलाइन है जी। लोग पूछते हैं ये क्या है, मैं बताता हूँ कैमरा है। अभी छोटा गोप्रो है ना, गोप्रो से पहले ब्लॉगिंग करना सीख लेता हूँ, बड़ा कैमरा बाद में करता हूँ। तो वही मैं बता रहा था, लॉन्ग राइड पे जब भी जा रहे हो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दो, 60 किलोमीटर्स के बाद तो ब्रेक लेना चाहिए, चाहे ब्रेक। और बाकी राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो, सेफ्टी बरतो। चलिए तो अभी बज रहे हैं 8:16 और आधा घंटा मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। चलिए ऑफिस का टाइम हो रहा है, मिलते हैं शाम को ऑफिस के बाद।
और ये मेरा ऑफिस जाने वाला रास्ता है दोस्तों। ये रास्ता गांव के बीचों बीच ऐसे क्रॉस होके जाता है, बहुत मस्त लगता है ये रास्ता मेरे को। और आज तो बादल के बीच से जो सूरज की किरणें आ रही है वो बहुत ही सही है, कैमरा में जस्टिफाई नहीं पा रहा होगा। और दोस्तों आज तो काफ़ी लेट हो गया, आते आते रात हो गया है, मेरा थोड़ा काम पड़ गया था। और ये दोस्तों रास्ता बन ही रहा है, मतलब काफ़ी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट था, पता नहीं आजकल जलता क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा लगता है। और ये रास्ता दोस्तों अभी तक कंस्ट्रक्शन में ही है, ऊबड़ खाबड़, पता नहीं अब बारिश का सीज़न आ गया, मानसून आ गया, कब तक कंप्लीट होगा। होप सो बन जाए, वरना तो दिक्कत हो जाता है बहुत सी इस रास्ते में, पूरा लद्दाख बन जाता है ये रास्ता। और दोस्तों हमने गैरेज में अपना गाड़ी पार्क कर दिया है, और चलिए आगे का क्या क्या काम है आज देखते हैं। तो गाइस अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और काफ़ी थक गया हूँ, अभी बज रहे रात के 10। एक्चुअली आज लेट क्यों हुआ, आप लोगों ने दो दिन पहले जो ब्लॉग देखा होगा ना, वो फैमिली पिकनिक वाला ब्लॉग हम साथ साथ हैं, वो यार एडिट करते करते मतलब 1080 में भी एडिट करते करते वो 5GB का हो गया, और घर पे वो अपलोड होगा नहीं क्योंकि मेरे घर पे इंटरनेट इतना स्पीड है नहीं। तो मजबूरन मुझे ऑफिस में ही मतलब उसको अपलोड करना पड़ा, और भाई साहब 5GB अपलोड होने में तो जान ही निकल गया उसका। तो अभी बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाता हूँ कुछ बनाता हूँ। और आज घर से आया तो मैं कुछ मनी प्लांट लेके आया हूँ, उसको भी अभी तुरंत गमले में लगा दूँगा वरना उसको मर जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा खा पी लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ यार, अभी लिटरली देखो बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, और मैं निकला था सुबह के 6 बजे, उठा था 5 बजे, भयानक थकान लग रहा है। चलो मैं थोड़ा कुछ स्नैक्स खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो ये थैला में मम्मी ने कुछ दिया है मनी प्लांट, इसको लगाते हैं। सब मनी प्लांट को अपने लगा दिया है गमले में, अब देखते हैं कि मनी प्लांट कितना उगता है, समझ रहे हो ना, वीडियो से समझ रहे हो ना। तो मनी प्लांट को किसी ने उड़ाने की कोशिश की है और वो सफल हो गया है। अगर मनी प्लांट हम दूसरों के यहाँ से चुरा के अपने यहाँ लगाते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होता है भाई। तो ठीक है अब अपन चलते हैं, आज का दिन बहुत बिजी रहा, 11 बजने को आ गया लगता है। हाँ यार एक मिनट बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू, बाय बाय।